नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद। आप देख रहे हो हेलो प्रमोद चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला कि फ्रेंड्स, मैंने एक अपना वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पर कि टिकट कैसे कैंसिल करें और पैसा रिफंड कैसे ले। ये मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था दूसरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे उसमें कमेंट आए थे, आप स्क्रीन पर देख सकते हो फ्रेंड्स मुझे कितने सारे कमेंट आए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कोई भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आप लोग से। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या सोचा, जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है उस पर मैं आप लोगों का जवाब देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट किए हैं अभी यादव ने, मुझे कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि सर मेरा पैसा कट गया है, टिकट बुक नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, 100 में से केवल 10% लोगों का ही ऐसा होता है फ्रेंड्स। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये सर्वर के वजह से होता है। इसके लिए फ्रेंड्स, आपका कोई भी चीज़ ऑनलाइन आप बुक करते हो फ्रेंड्स, आपका पैसा कट जाता है लेकिन वो आपको चीज़ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये आपका जो रिफंड होता है एक या दो दिन के अंदर आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछे फ्रेंड्स, छोटे लाल भाई ने पूछा है फ्रेंड्स, उन्होंने भी सेम बोला है कि मेरा भी ये सेम प्रॉब्लम है। और सानिका सिस्टर ने भी पूछा फ्रेंड्स, ऐसा मैसेज तो मुझे भी आया था पर अभी तक बैंक में पैसा नहीं आया है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एसटी ऐप के हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर देना है। और फ्रेंड्स, वहां पर कॉल करने के बाद अगर वो बोलते हैं कि फ्रेंड्स मैंने रिफंड कर चुका फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होगा, आपके बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपका पैसा क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो 5वां क्वेश्चन किए हैं, हरदीप सिंह ने पूछा है, उन्होंने बोला है कि मेरा तो पैसा वापस नहीं हुआ है, बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से रिफंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी एक बार ऐसा प्रॉब्लम हुआ था फ्रेंड्स कि मेरा भी, मैंने टिकट बुक किया था लेकिन मुझे रिफंड आ चुका था, बोला गया था कि आईसीटी की तरफ से रिफंड कर दिया गया लेकिन मेरे बैंक में शो नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, अपने बैंक में गया फ्रेंड्स, बैंक में जाने की और फ्रेंड उनको मैं ऐसी ऐसी बातें बताया कि और बताने की। और फ्रेंड्स, उन्होंने क्या बोला कि हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना होगा, आपके जो प्रॉब्लम है उसको आप बताना होगा। तो फ्रेंड्स, बाद में मेरा क्या हुआ, 10 दिन बाद मेरा रिफंड हो चुका है फ्रेंड। उसके फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। डिजिटल आर के भाई ने पूछा है, सर मेरा रिफंड वापस नहीं आया है, नंबर नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो क्या करूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आपने टिकट फिर से बुक किए हो, टिकट बुक किए हो लेकिन फ्रेंड्स आपका रिफंड नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली आईसीटी हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना होगा। और काजल सिंह ने पूछा है कि सर मेरा पेमेंट रिफंड नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, वॉलेट से पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर करें। तो फ्रेंड्स, ये काजल सिंह ने मुझे पूछा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके वॉलेट में पैसा तो बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभिषेक कुमार दुबे ने पूछा है फ्रेंड्स, 260 मेरा अभी तक कट गया है, अकाउंट में कैसे जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने टिकट बुक किए हो और आपका फ्रेंड्स आप चाहते हो कि फ्रेंड्स टिकट को कैंसिल करना चाहता हो, टिकट कैंसिल करने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होगा, तो फ्रेंड्स को कुछ डेट होते हैं रिफंड होने के लिए, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपने कोई टिकट बुक की हो और आपका रिफंड हो जाएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। और एक्शन रिसर्च ने पूछा फ्रेंड्स, कैंसिलेशन चार्जेस कितना लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये कैंसिलेशन चार्जेस क्या होता है। बट फ्रेंड्स, आपका जो ट्रेवलिंग डिस्टेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपका जितना डिस्टेंट होगा लंबा उतने हिसाब से आपका जो पैसा होता है वो कटता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे एलटीटी से लेकर प्रयागराज चुकी तक, और फ्रेंड्स आप एलटीटी से प्रयागराज चुकी के टिकट कैंसिल करना चाहते हो फ्रेंड्स, आपका जो एक टिकट को जो चार्जेस लगता है वो 60 रुपये लगता है फ्रेंड्स। और ओ हरि कुमार ने पूछा है फ्रेंड्स, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है थैंक्स। तो फ्रेंड्स, मैं ओ हरि कुमार को थैंक्स बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और बी सिंह भाई ने भी पूछा कि फ्रेंड्स थैंक्स भाई। और उसके बाद आई सर ने बोला है कि सर अमाउंट को अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करें, जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि
जैसे फ्रेंड्स आप कोई भी टिकट बुक करते हो, टिकट बुक करने के बाद फ्रेंड्स आपके वॉलेट में पैसा रह जाता है, फ्रेंड्स आप कैसे उसको ट्रांसफर करोगे? फ्रेंड्स इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फ्रेंड्स वहां पर आप जाके देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स अमित सिंह तोमर ने पूछा फ्रेंड्स, अच्छा लगा, थैंक्स भाई। और किरण भाई ने पूछा कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रिफंड अमाउंट इन द बैंक अकाउंट? तो वही फ्रेंड्स मैं आपको इससे पहले जो बताया कि एक हफ्ता आपको लग सकता है फ्रेंड्स रिफंड आने के लिए। उसके फ्रेंड रितिन शर्मा ने पूछा है, भाई पैसा वापस आ जाता है क्या? प्लीज बताओ, मुझे कैंसिल करना है 7 सितंबर की टिकट है। तो फ्रेंड्स हाँ, फ्रेंड्स हाँ, नितिन शर्मा हाँ, पैसा रिफंड आ जाता है फ्रेंड्स, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं फ्रेंड्स, आपको टिकट कैंसिल करना, टिकट कैंसिल कर लो और आपका पैसा आपके अकाउंट में एक हफ्ते के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा। उसके फ्रेंड्स सुरेश भाई ने पूछा कि प्रोफाइल में रिफंड हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड्स आपको एक बार अपना ऐप को एक बार अपडेट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स अपडेट का ऑप्शन आया हो तो आपको अपडेट कर लेना फ्रेंड्स, अपडेट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रिफंड है वो शो होने लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स सुरेश फिन ने पूछा है फ्रेंड्स, उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, रिफंड शो कर रहा है पर वॉलेट पर पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप कोई भी टिकट कैंसिल करते हो फ्रेंड्स आपको वहां पर दो ऑप्शन दिया जाता है, क्या वहां पर एक ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स कि आप जो पैसा लेना चाहते हो अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो या वॉलेट में लेना चाहते हो। अगर फ्रेंड्स आप वॉलेट वाले पे क्लिक करो तो आपका जो पैसा है वो वॉलेट में जाएगा, और फ्रेंड्स आप बैंक वाले पर क्लिक करो तो फ्रेंड्स आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। विपिन कुमार जी ने पूछा फ्रेंड्स, मेरा पैसा वॉलेट में आ गया है, उसको अकाउंट में कैसे वापस लूं फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मैं उसका लिंक, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ फ्रेंड्स, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ पर देख लीजिए। उसके फ्रेंड जेना भाई ने पूछा फ्रेंड मुझे, सर फ्लाइट कैंसिल कैसे करें? तो फ्रेंड्स इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा फ्रेंड्स कि फ्लाइट का टिकट कैसे बुक करें, तो फ्रेंड्स आप वो वीडियो देख लेना। उसके फ्रेंड्स सूरज कुमार ने पूछा फिर से मुझे क्वेश्चन, हेलो सर, मैंने कंफर्म ऐप से टिकट कैंसिल किया था, अभी तक पैसा रिटर्न नहीं आया है, 17 को किया था, 2020 रुपये। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सिंपली ICT हेल्पलाइन पर आपको कॉल कर लेना है, वहां पर एक बार जाके कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स वो आपको बता देंगे कि आपका पैसा रिफंड हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके फ्रेंड राज 61 के पूछते हैं कि इस ऐप से पेमेंट या अकाउंट में पैसा कैसे सेंड करें, प्लीज हेल्प मी। अगर फ्रेंड्स आप पैसा प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंड्स, तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया था अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, तो फ्रेंड्स इसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं फ्रेंड्स, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा फ्रेंड्स, आप जाके वहां पर देख लेना, नहीं तो फ्रेंड्स आपको आई बटन। और फ्रेंड्स किरण भाई ने पूछा है मुझे कि हमारा पेमेंट अकाउंट से कट गया है लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स मैं ये पहला क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था फ्रेंड्स इनका भी ये सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी लेना तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो फ्रेंड्स, आपके कमेंट का आंसर जरूर मिलने वाला है। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय।